प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका दौरे से लौटे हैं। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण डील्स हुई। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका की कोशिश ये है कि वो एशिया में अपनी पैठ बढ़ाए। वहीं भारत, जो रक्षा के मामले में रूस का सबसे करीबी है, उसकी निर्भरता को कम किया जाए। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को इस लिहाज से भी ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार भारत और अमेरिका के बीच इतनी बड़ी डील हुई है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है। भारत अमेरिका से ड्रोन ले रहा है, जेट के इंजन ले रहा है। इसके अलावा भी ऐसी डील्स हुई हैं जो भारत की ताकत को बढ़ाने वाला है। यही नहीं, पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भी ये दौरा काफी अहम था। अब बात करते हैं कि कैसे ये दौरा ऐतिहासिक रहा और भारत का रक्षा क्षेत्र कैसे बूस्ट होने वाला है। दरअसल भारत की सेना दुनिया में टॉप 3 में से एक है। इसके अलावा भारत दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर में से एक है। फ्रांस, रूस, अमेरिका और इजराइल उन देशों में शुमार है जिससे भारत रक्षा सौदे करता है। रूस सबसे बड़ा साथी है। भारत हमेशा से इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन हाल के सालों में ट्रेंड बदला है और भारत में डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो देश में डिफेंस सेक्टर से छोटे और मिडिल स्केल की जो इंडस्ट्री है, उनकी प्रोडक्शन ने 1,00,000 करोड़ के आंकड़े को छुआ है। सिर्फ यही नहीं, लाइसेंसिंग में भी 200% का इजाफा देखा गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में निजी क्षेत्रों को भी डिफेंस से जोड़ा गया है और सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं जो ये क्षेत्र बना रहे हैं। भारत में फिलहाल सुरक्षा बलों के लिए आधुनिक सेंसर प्रणाली, थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन कैमरा, आधुनिक रडार, माइक्रोवेव इक्विपमेंट शामिल है जो तकनीकी तौर पर मजबूती के लिए लाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं मोदी के अमेरिकी दौरे से भारत को जो बड़े फायदे हुए उनकी। उनमें दो बेहद खास है। पहला है जनरल इलेक्ट्रिक का जेट इंजन F414 का भारत में HAL के साथ मिलकर उत्पादन, और दूसरा इन इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दुनिया में करीब 40 विमान निर्माता देश है, जिनमें सिर्फ अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास ऐसी तकनीक है जिनसे वो इन विमानों के डिजाइन और उत्पादन तक का पूरा काम कर सकते हैं। अब भारत को भी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है और प्रोडक्शन भी भारत में होने वाला है, तो भारतीय वायुसेना एशिया में टॉप पर आ सकती है। ये फैसला चीन को ध्यान में रखते हुए भी काफी अहम है। 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स, ये डील भी भारत के लिए अहम है। पाकिस्तान दिनों दिन ड्रोन का इस्तेमाल कर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। सीमा से सटे इलाकों में आतंकवाद के कैंप लगते हैं, ट्रेनिंग होती है और लॉन्च पैड तैयार होते हैं। ऐसे में सेना और सीमा सुरक्षा बलों के लिए ये काफी चिंता का विषय रहता है। ये ड्रोन भारत को मिलने से सेना को जरूर फायदा होने वाला है। जनरल एटॉमिक्स और भारत फोर्ज की डील हो, US नेवी की LNT से डील हो, इनमें भी पीएम मोदी के दौरे का खास प्रभाव है। मोदी का अमेरिका जाना इसी कारण से अहम रहा। निवेश हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मोदी का दौरा भारत के लिए फायदेमंद रहा। क्योंकि रक्षा उपकरणों की सरकार ही एकमात्र खरीदार है, निजी क्षेत्रों में पूंजी निवेश और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए ये भी जरूरी होगा कि उन्हें मिलने वाले ऑर्डर की निरंतरता बनी रहे। अमेरिका भी जानता है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता और शांति के लिए भारत एक मजबूत पार्टनर है। यही कारण है कि अमेरिका का झुकाव हाल के सालों में खासकर रक्षा क्षेत्र में बढ़ा है। क्वाड भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।